हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। दोस्तों, राजस्थान स्टेट ने मोपअप राउंड के लिए जो कल 24 और 25 को होना है सीट मैट्रिक्स डाल दिया है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी डाल दी है और नोटिफिकेशन भी डाल दिया है शेड्यूल का। तो एक बार इसका हम शेड्यूल देख लेते हैं। तो जैसे ही हम इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो शेड्यूल इसमें 22 अगस्त का इसमें शेड्यूल दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि 24 अगस्त को 1 से लेकर 5,000 रैंक तक के कैंडिडेट प्रेजेंट रहेंगे और उसमें आल एससी एसटी एसटी एमबीबीए ईडब्ल्यूएस एनआरआई और डब्ल्यूडीपी के कैंडिडेट भी प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद में 25 अगस्त को उन कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं। इसके बाद में 5,000 एक से ऊपर वाले रैंक के कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी। कॉलेज रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो 24 से लेकर 27 अगस्त शाम 6 बजे तक है। यहीं मोपअप राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अगर कोई सीटें बचती हैं तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड होगा। इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा वो 25 से लेकर 27 अगस्त 2019 11:45 PM तक रहेगा। उसके बाद में अगर इसमें कोई सीट वैकेंट रहती है तो 28 तारीख को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा और इसके बाद में 28 से 31 तक इंस्टीट्यूशनल लेवल रहेगा, यानी कि आपको इंस्टीट्यूशन में प्रेजेंट रहना होगा अगर उसमें कोई सीट वैकेंट रहती है तो उसके लिए काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। मैं आपको यहाँ बता दूं कि मोपअप राउंड होने के बाद में गवर्नमेंट सीटों में ये सीट न के बराबर ही रहती है। हो सकता है कहीं एक या दो सीट वैकेंट रह जाए, नहीं तो इसमें गवर्नमेंट सीटों के लिए वैकेंट रहने की कोई संभावना नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में सीट वैकेंट रह सकती हैं। अब इसकी जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्लियरली लिखा है कि 11 और 12 अगस्त को जो मोपअप हुआ था वो बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। अभी उसमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन ही दिया जाएगा। तो वो कैंडिडेट इस भ्रम में नहीं रहे जिनको सीट मिल गई है 11 और 12 के मोपअप में, वो ये ना सोचें कि हमें सीट मिल गई है। अगर इसमें सीट वैकेंट होती है इस मोपअप में और उनका अगर नंबर आता है उस रेंज तक तो उनको सीट मिलेगी, तो वही सीट मान्य होगी। इसके बाद में जो इसकी और कंडीशन है वो कंडीशन हम देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट इसमें इलिजिबल हैं। तो इसमें वो कैंडिडेट इलिजिबल हैं जिन्होंने 15 अगस्त तक राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, चाहे वो किसी भी राउंड के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हो, वो 15 अगस्त तक अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो सारे कैंडिडेट इसमें इलिजिबल हैं। उसके बाद में सेकेंड और फर्स्ट राउंड में सीट लेने वाले अपग्रेडेशन के लिए कैंडिडेट इलिजिबल हैं इसमें। इसमें थर्ड पॉइंट पर लिखा है कि एक बार 14 अगस्त को नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें ये कहा गया था कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है, रिजाइन कर दिया है, वो 16 अगस्त तक सीट ले सकते हैं। तो वो कैंडिडेट भी अपग्रेडेशन के लिए इलिजिबल हैं जिन्होंने 16 अगस्त तक सीट ली है। इसके बाद में जो नॉन रिपोर्टिंग और रिजाइन कैंडिडेट हैं राउंड 1 और 2 के लिए, वो भी इस पार्ट ले सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए लिखा है कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनको फ्रेश सीट लेना है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएं, और जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है उनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके हैं वो अलॉटमेंट लेटर लेके आएं, तो ये माना जाएगा कि उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा हैं इसमें। अगर जिनको 11 और 12 अगस्त को मोपअप में सीट मिली थी और अभी उनको सीट इस राउंड में अलॉट होती है तो उनको अलॉटमेंट लेटर लाना होगा, उसकी कॉपी लेके आनी होगी। इसके बाद में हम बात करें इसके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की, तो यहाँ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डाल दी गई है। वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है जिसमें सारे कैंडिडेट शामिल हैं, राउंड 2 के भी कैंडिडेट इसमें शामिल हैं और 15 अगस्त तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो सारे कैंडिडेट इस लिस्ट में शामिल हैं। इसी लिस्ट के अनुसार ही आगे काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। इसमें आगे सीट मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें गवर्नमेंट की सीटें, मैनेजमेंट की, एनआरआई की, तीन प्रकार की सीटें कैटेगरी वाइज दी गई हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, सीट वैकेंट के अनुसार ही इसमें काउंसलिंग होगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में इसमें पेमेंट की सीटें भी दिखाई गई हैं, तो आप वो सीटें देख लें एक बार। अभी बात करें हम कट ऑफ की, तो दोस्तों कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 580 से अबव रहने की संभावना है। तो ये जानकारी थी राजस्थान के मोपअप राउंड के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।